ईद के बंदोबस्त के दौरान कपिल नगर थाना अंतर्गत पुलिस को गश्त के दौरान एक व्यक्ति संदेहास्पद अवस्था में दिखाई दिया, जिसकी तलाशी लेने पर शराब की बोतलें पाई गई, जिसकी कुल कीमत 5,700 रुपए बताई गई। आरोपी को अवैध शराब तस्करी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर शराब निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया है। कपिल नगर पुलिस ने शराब तस्करी में लिप्त युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम संतोष यादव समता नगर निवासी बताया गया है। पुलिस को ईट भट्टी मार्ग पर संतोष संदिग्ध अवस्था में मिला। तलाशी लेने पर उसके पास से 5,700 रुपए की देशी शराब मिली है। बंदोबस्त होता आमच्याकडे 30 तारखेला काल 10:45 सुमारास समता नगर इटाभट्टा रोड जो आहे त्या ठिकाणी आमचे डीबी पथक हे गस्त करत असताना त्यांना एक माणूस सापडला। त्याच्यासोबत एक त्याच्याकडे एक प्लास्टिकची बॅग होती, त्यामध्ये काही दारूचे बॉटल्स होते, ते 96 होते, 180 ml चे होते ते, आणि तो एकत्र घेऊन चालला होता। असे 96 बॉटल त्याच्याकडे होते, ते जवळजवळ त्याची किंमत आहे 5,700 रुपये। तर तो घेऊन चालला होता, त्याला हटकलं असता, त्याच्याकडे परवाना वगैरे नसल्याचे आपल्याला समजून आले। त्याला विचारपूस केली, सगळं केलं, त्यानंतर त्याने आपल्या त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा परवाना नसताना त्याने आपल्यासोबत एवढे बॉटल्स वगैरे बाळगले, म्हणून त्याच्याविरुद्ध आपण दारूबंदी कायदा 65E प्रमाणे त्याची कारवाई केलेली आहे आणि जे दारू आहे ते आपण जप्त केलेली आहे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर शराब निरोधक कानून के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्टिंग, BCN न्यूज़ नागपुर।